आग लगा दी अच्छी कैमरा कैमरा लोग सी यू सून या नो ओके नेक्स्ट वन स्टॉप प्लीज डू नॉट रिकॉर्ड दिस व्हाटएवर ही सेड सो अटेंशन एवरीबॉडी वी स्टार्टिंग दिस सॉन्ग टू बी प्लेड नाउ कैन यू हैव द विजुअल्स प्लीज डू नॉट कवर द विजुअल्स ऑफ द सॉन्ग फ्रॉम द स्क्रीन वी शैल शेयर इट विद यू ऑन मंडे the official release of the song. Come here on the dice, along with Ramji Gulati, Mridul, and Ishan. Ho gaya? Nahi, nahi, nahi hua. Baki nahi. Ruko, ruko.
थैंक यू बाद में बात करेंगे, फाइट करते चलो। सना जी थैंक यू अनिल भाई आ जाओ फोटो ले लेंगे। अरे इनका फोटो नहीं करना, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे एंड ऑन बिहाफ ऑफ ब्राउन पिच एंड यूनाइटेड वाइट फ्लैग आई वुड लाइक टू वेलकम ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग अस। So today is a big day for us. Adat, our song, you know, we've been really waiting for this to release and we've been collaborating with Rohan Kai. My couple first of song is also with Ramji. This is my 30th song. Ramji ke saath hi hai. I think 100th bhi inke saath hi hogi. So it's my pleasure working with Chetna for the first time, and Mridul also, you know, has joined us as a producer on this one with Shahzeb bhai, who's missing this evening due to some reasons. एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ ईशान, ये बहुत अच्छा गाते हैं और मैं इनका दीवाना हूँ उनकी आवाज़ का। एंड द गुड न्यूज़ इज़ दैट यू नो टुडे विद आदत वी ऑल्सो रिलीजिंग आवर फर्स्ट फिल्म एंड फर्स्ट टाइम हमने कुछ कोशिश की है यू नो टू सपोर्ट इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट। कुशल इज़ हेयर आई थिंक एंड ब्रिलियंट मूवी यू नो विच हैज़ बीन पिक्चराइज बाय देम एंड वी ट्राई टू कम इन आवर बेस्ट एज अ प्रोड्यूसर ऑन द सेम। So we start with Adat. I think I'll hand over the Rohan to speak over it. Yeah. Thank you so much. Please tell us about the new look first. Obviously, हमें experiment करते रहना चाहिए और पहला गाना मैंने जब राम जी के साथ किया था 4-5 साल पहले, तब अलग लुक था, तो अब सब ग्रो कर रहे हैं। हम एज एन एक्टर ऑल्सो भी ग्रोइंग और हर चीज़ में हमें एक्सपेरिमेंट करना बहुत जरूरी है। ही इज़ वेरी वर्सेटाइल, हर वीडियो में अलग लुक, अलग फील एंड टू गुड। बहुत मज़ा आया, हमने दुबई में ही गाना शूट किया आदत, और मतलब प्लान फटाफट बना। हम लोग ऐसे, मैं और मृदुल फ्लाइट में आ रहे थे किसी और गाने का शूट से और राम जी मिल गए, तो ऐसे मैंने मृदुल को इनसे इंट्रोड्यूस करवाया। ये गाने की प्लानिंग फ्लाइट में हुई है और मृदुल को मैंने इनसे इंट्रोड्यूस करवाया, और फिर नेक्स्ट डे मतलब पता चला कि गाने की प्लानिंग चल रही है और फिर हमें दुबई जाना है। तो चेतना हमारी लाइक शी इज ऑल्सो लाइक फैमिली, तो हमने सबसे पहले चेतना को ही कॉन्टैक्ट किया और फिर मृदुल बताएगा आगे क्या हुआ। बिल्कुल बहुत ही मज़ा आया, फ्लाइट में बना, फिर नेक्स्ट डे से हमारी प्लानिंग वगैरह सब स्टार्ट हो गई। राम भाजी ने मेरे को स्टूडियो बुलाया, सॉन्ग्स वगैरह सुनाए, तो आदत सबसे ज़्यादा मतलब बेस्ट लगा। तो फिर मैंने कहा रोहन भाई से कि करना है ये गाना, अभी चेतना से बात करी और ईशान, बहुत मज़ा आया। नहीं, आई थिंक चेतना वाज द ओनली एंड परफेक्ट चॉइस फॉर दिस सॉन्ग, शी इज आदत। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है एक्चुअली। पहली बार ऐसा लगा कि आई वॉज नॉट वर्किंग विद पीपल दैट आई डोंट नो, बिकॉज यू नो समटाइम्स यू वर्क विद पीपल यू हैव नो क्लू अबाउट, बट यू नो आई हैव नोन बोथ ऑफ देम, वी आर डूइंग क्लास टुगेदर एंड हमारी क्लास की शूटिंग जस्ट खत्म ही हुई थी, एंड मृदुल आई हैव नोन लाइक सिंस 2-3 ईयर्स, ही इज़ लाइक माई यंगर ब्रदर, सो ही इज़ लाइक मेरा पहला गाना है, एंड आप और रोहन भाई से अच्छी मुझे कोई जोड़ी नहीं लगती। एंड आई वॉज ऑल्सो लाइक यू नो वी हैव नेवर डन अ सॉन्ग टुगेदर, बट आई थिंक I also felt we will do justice to this song because the song was very beautiful, and Ishan ki voice, when I heard the song the first thing was wow, this song is amazing. Then his song with Jasmine also came, so whatever song he has sung before also, he's a brilliant singer. I love his voice, you know, there are very few melodies which stick to you and his was one of that. And Ramji, I've heard so much about him, but this was the first time I get to work with him. He is such a chiller. हमने एक दिन में मतलब इतनी interesting like fun में गाना shoot कर लिया कि पता ही नहीं चला, and you know the result is here. I think it was a great experience. एक दिन में बनाए और आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत ही grand लग रहा है। So all thanks to Ramji. दुबई के तो एक्सपर्ट है ये, जो भी फरारी चाहिए कम से इनके एक इशारे पर आ जाती है। हमने इतनी गर्मी में शूट किया है, वी वर मेल्टिंग, आई वाज लाइक कैसे होगा, बट दिस मैन न्यू एवरीथिंग एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से सब कुछ हो गया, मानिए जी, इट वाज वेरी वेरी कूल। मैं इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं था, आज से शायद 1.5 साल पहले की बात है, हम बैठे थे ये सॉन्ग के लिए, पाजी मुझे अपना बैंक सुना रहे थे और बात मानी इनके पास इतने सारे सॉन्ग्स हैं मतलब, और सारे ही सारे बहुत अच्छे हैं, और ये गाना तभी मुझे दिल को छू गया था, तो मैं
मैंने पाजी से बोला था पाजी ये गाना करते हैं साथ में, एंड देन फिर उसके बाद ये सॉन्ग बना, फिर कई बार इनके आया हूँ मैं, हम इस सॉन्ग पे सेटिंग हुई और मुझे पता ही नहीं चला कब ये शूट हो गया। पाजी का मुझे दुबई से कॉल आया कि तूने जो गाया फाइनल है ना तेरे को, अब तो कुछ नहीं करना है। बोला नहीं पाजी साहब फाइनल, पहले के शूट इतना अच्छा गा देते हैं, एक गाने की टाइम देखिए, डेढ़ दो साल से चल रही है प्लानिंग। मैंने बोला दूसरी बार गा के और कुछ नहीं हो जाए, ये पहली बार में बहुत सही लग रहा है। और फाइनली अभी मैंने वीडियो देखा है, जस्ट बहुत ही माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। और मतलब इस गाने की प्लानिंग अभी से फ्लाइट में नहीं है, डेढ़ साल पहले से चल रही है। नहीं, सॉन्ग सॉन्ग वही गाने की, मतलब देखो एक गाने की भी इतनी मेहनत लगती है। यस यस यस, लॉट ऑफ एफर्ट्स ऑन द सॉन्ग। So now, you know, Brown Pitch and United White Flag have collaborated not towards just, you know, one song or movie. We are doing couple of projects in future. Shazib Bhai and me are planning around 46 songs in an year. And already, you know, 3-4 movie ki scripts chal rahi hai. So I think in 2022, you know, you will see a lot of action from our end. Ram Ji ke saath hum saare phir se 2-3 movies karne wale hain. Yes. Nahi, mere all. See, because I feel, you know, this is, they are not actors for me, they are not artists for me. They are my family. Main dil se manta hu aur haq se ye baat bolta hu aur sabko ye baat bolta hu. So I feel mere ko bhi same feeling hai aap log ki taraf se. So we try, you know, every time we get a new concept, we get a new locations, you know, so audience can connect with Rohan, like with Chetna and all the other artists we work with. So kafi kuch action hone wala hai, bas hamesha pyar dete hain aur hamesha pyar dete rahiye, keep supporting us. आपके पास माइक था एक, अगर आप अरे इतने सारे माइक से ब्रो कोई भी डालो, साउंड आ रहा था। मैं दादू का मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है गाने में, वहां तक आवाज पहुंचेगी। जो हाल दिल का कहने दे, अखियों से आंसू बहने दे, मुझे आज तू रोते रहने दे, जिस चेहरे को मैं देखूं उसमें मैं तुझको पाऊं, तू मेरी आदत बन चुकी है तुझे कैसे मैं भुलाऊं, तू मेरी आदत बन चुकी है सोचता हूँ इन हाथों की लकीरों को मैं पल पल कोसता हूँ, तेरी दूरी सही न जाए तेरे बिन मैं ना रह पाऊं, तू मेरी आदत बन चुकी है तुझे कैसे मैं भुलाऊं। क्या बात, थैंक यू। तो बेसिकली आदत का जो आपने आज प्रीव्यू देखा वो परसों 6th को रिलीज़ हो रहा है एट 12 PM, तो आप सबका सपोर्ट चाहिए, बहुत ज़्यादा प्यार चाहिए, प्लीज़ गो वॉच द सॉन्ग एंड गिव अस ऑल द लव यार। या मेक इट अ हैबिट, आदत। ये एक सॉन्ग नहीं है, ऐसे कई सॉन्ग्स आपने बनाए हैं ऑलरेडी। राम जी गुलाटी की आदत बन चुकी है, इनकी आदत बन गई है सुपर डुपर हिट्स देना, और जो भी इनकी इस आदत में शामिल होता है वो ऑलरेडी सुपर डुपर हिट होता है और सुपर डुपर हिट हो जाता है, जैसा कि मेरे भाई है रोहन और राम जी गुलाटी के नाम में एक बहुत स्पेशल चीज़ है, अगर आप लोगों ने नोटिस की होगी, इनका नाम सब कुछ कहता है इनके बारे में, राम जी, ठीक है, गुलाटी
गुलाटी इज अ पंजाबी वर्ड. गुलाटी का मतलब होता है जो गुलाटियाँ मारते हैं, ऐसे 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 फ्लिप होके वो जगह जगह पहुँच जाते हैं. तो ये इनके आधे यहाँ रहते हैं, आधे हमेशा फॉरेन में रहते हैं. और मुझे ये लगता है जो बाहर के डेस्टिनेशंस होते हैं, जो बाहर के कंट्रीज होते हैं, वहाँ जाकर आप इतना फील गुड आप में एक अंदर से वो फैक्टर रहता है कि आपको बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं. और मुझे लगता है इनकी क्रिएटिविटी इनके फॉरेन ज़्यादा रहने से, फॉरेन कंट्रीज़ में ज़्यादा रहने से आती है. सो हिज नेम सेज एवरीथिंग अबाउट हिम. रामजी गुलाटी, गुलाटी मार के इंडिया में, गुलाटी मार के दुबई में, गुलाटी मार के कहाँ कहाँ आपने अब शूट किया है, सब कंट्रीज़ का अगर आप नाम बोल दें. बहुत सारे कंट्रीज़ में. एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर रामजी एंड रोहन एंड चेतना. इतना प्यारा सॉन्ग है. एंड रोहन इज़ लाइक अ ब्रदर टू मी. रोहन ने बस बुलाया तो मैं आऊँगी आऊँगी, चाहे मैं कहीं पर भी हूँ, गुलाटी मार के मैं आऊँगी. सो आई लव द सॉन्ग. और ये सॉन्ग आदत बन जाएगा सबकी, सबको ये सॉन्ग की आदत पड़ने वाली है. सो गेट सेट रेडी फॉर दिस एडिक्शन. थैंक यू. ये गाना मैं बहुत पहले सुन चुका हूँ. जब हम अरवीना में शूट कर रहे थे और ऐसा था कि मेरे को चाहिए था कि यार पाजी यार कैसे करते हो आप ऐसा कुछ प्लीज. अब मैं बहुत जल्दी अपना सिंगिंग डेब्यू करने वाला हूँ. अरे यार इनका सिंगिंग डेब्यू 13 को रिलीज हो रहा है, 13 तारीख को. नहीं बताना वो. अच्छा सॉरी. ओके बहुत जल्दी रिलीज हो रहा है. पाजी ने शूट किया है, बहुत हेल्प की है मेरी पाजी ने. और ऐसा ही गाना प्लीज पाजी पहले भी बनाना. अरे तो क्योंकि यार ये गाना सबकी आदत सच में बनने वाला है. यू हैव परफॉर्मड रियली वेल. इट्स अ ब्यूटीफुल वीडियो. एंड यार तू मेरी आदत बन चुकी है, तुझे कैसे मैं मिटाऊं. इस गाने के अंदर मुझे याद है कि राम जी ने गाना लगा दिया था ऊंची जब हम शूट कर रहे थे. मुझे एक सीन था जिसमें रोना था, तो नॉर्मली मैं ग्लिसरीन लेता हूँ क्योंकि ऑब्वियसली फील नहीं आती ना अपना इतनी चीज़ चल रही होती है. बट गाना लगा और मेरे आंसू टपकने लगे. मतलब ऐसा कुछ है इस गाने में, स्पेशल है राम जी सच में. Yeah. And it's one of my favorite songs. और आप जिस तरह का म्यूजिक देते हो ना पाजी, मतलब फ्रॉम योर एवरी सॉन्ग, चाहे वो हमारा रोना लिखा हो, आपका नजर ना लग जाए हो, या फिर आदत बन चुकी हो, यू दी बेस्ट पाजी, यू दी बेस्ट. आप फिर से रुलाने वाले हो रील्स पे, टिकटॉक पे सबको रुलाया पाजी ने, अब रील्स पे रुलाएंगे. एंड यू ऑल हैव डन एन अमेजिंग जॉब, सो कांग्रेचुलेशंस. Maybe but I've heard the song. I've heard the song and I've seen the snippet of it, so I'll. So I think the music is given by you, and I've always heard your music and I really like it. The singer is a very dear friend, Ishan, and uski voice bahut hi beautifully he sung it. And of course, you have two cute looking pair in the video, so I think that's the add-on. Or Adat? Any questions, guys? Thank you. गाना जब पाजी शूट करने वाले थे तब भी मेरे को उन्होंने सुनाया था कि मैं शूट करने वाला हूँ ये सॉन्ग. मेरे को अपना रिव्यू बताया कैसा है तो मैंने पाजी और बहुत अच्छा सॉन्ग है. पिक्चराइजेशन भी इतना अच्छा है, रोहन और चेतना ने काफ़ी अच्छी एक्टिंग करी है और पूरा फील आया सॉन्ग को देख के. मतलब एक इमोशनल जो टच देना चाह रहे थे वो दिख गया. एक्स गर्लफ्रेंड की याद आई अपने? नहीं मैं सिंगल हुआ सारी जिंदगी. सारी जिंदगी से सिंगल. फ्यूचर गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ ख्याल आया सुन के आदत? हाँ हाँ कि मैं ऐसा कुछ होगा मेरे साथ तो मैं ऐसा सोचूंगा. अभी तो हम साथ में जा रहे हैं दुबई. हाँ उसके पहले Another virus has entered. नहीं जान जा रहे जाओगे तो फिर आ नहीं पाओगे दुबई के बन जाओगे. हाँ तो क्या, तो बस अभी बहुत सारे शूट पे लाइंड अप है वो सब कंप्लीट करना है और देखते हैं फिर जाएंगे ही. जाना ही पड़ेगा पाजी अभी. अभी नो ऑप्शन बोल दिया. हाँ थैंक यू. And we have Kushu, the director, your actor, and Palaya, who's the director and done a fab job. Kushu, what do you have to say about it? So, you know, it's really stunning. I am actually really happy. Hello. So yeah, I'm very excited for this one and
it all at the end came through because of United White Flags and Ground Pitch. So very excited. I want you all to go and watch the film because it's out right now. And yeah, it's amazing. So just go and watch it. So guys, आप सबने ट्रेलर तो देखा ही होगा लिसन टू मी का एंड दिस इज रियली रियली क्लोज टू आवर हार्ट ग्राउंड पिच एंड यूनाइटेड वाइट फ्लैग्स फर्स्ट यू नो फिल्म एज प्रोड्यूसर्स एंड दीज गाइज हैव रियली डन अ फैब जॉब आई थिंक एवरीबडी इज एक्टेड सो वेल एंड द एंटायर टेक्निकल टीम थैंक यू गाइज आई लव यू फॉर मेकिंग सच अ ग्रेट फिल्म कुशल यू एंड अ टीम ऑफ फैब एंड वी होप दैट यू नो वी कीप क्रिएटिंग सच स्टफ And it's you know it's always good for us to you know have good artists with us, good directors with us, and we want to support a lot of independent artists, independent films. So I think this is the beginning, and I love this team, and I think we're going to do back-to-back movies with you guys. Yeah, thank you, love you guys. Yeah. Firstly, I would like to thank Ramji for making this possible. That we are doing all of this in front of you all, and to Kushal as well. I mean, he directed the film really well, and Brown Pitch. Mr. Shahzeb is not here with us right now, but हम लोग कभी पूरी करने की कोशिश करेंगे. और thank you Brown Pitch for making this possible as well, and thank you. And I'm really humbled by the response you have given after watching the trailer. Thank you so much. So guys, the film is out, and I think we almost have 70 to 75,000 people who have been watching the movie currently, and this is more than you know we expected. So I think this is going to keep increasing. And please, jisne movie nahi dekhi hai, go watch the movie on Brown Pitch. It's out, and give all your love and mention us in your comments here. Love you guys.